कार्टून्स या एनीमे दूसरे कंट्रीज में दिखते कैसे हैं? ऐसा कौन सा फल है जिसमें इतने नुकीले कांटे होने के बाद भी आप इसे इतनी आसानी से खा लेते हो? कैसे? बस उबासी लेने से आप किसी के साथ भी दोस्ती कर सकते हो, और आगे चल के ये चीजें इलीगल होने वाली हैं और आप इसके बारे में नहीं जानते। भाई वीडियो को 3 गिनने तक लाइक कर दो, नहीं तो मैं आपका फोन गायब कर दूंगा। 1, 2, 3 आपने कर ही दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17, कपड़े धोने वाले साबुन को आपने देखा ही होगा, उसे कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले पाउडर को तैयार करते हैं जो कि सबसे मेन होता है। सब कंपनीज के अलग अलग सीक्रेट होते हैं, और कई बार नॉर्मल बस कपड़े धोने वाले पाउडर को ही एक सोप के शेप में मोल्ड किया जाता है। मोल्ड करने के लिए कुछ इस तरीके के बड़े कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है ये कपड़े धोने का साबुन है, इसलिए इसके डिजाइन को काफी ज्यादा नॉर्मल रखा जाता है। और बस एक कन्वेयर बेल्ट इन्हें अलग अलग पीसेस में काटता है, और इसके बाद एक फाइनल कन्वेयर बेल्ट इन्हें और भी ज्यादा छोटे साइज में कट करता है, यानी कि एक सोप के साइज में, और फिर बस इन्हें पैक कर दिया जाता है। नंबर 16, ऐसे देश भी है जिनके नेशनल एंथम में कोई भी लिरिक्स नहीं है, बस वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह। जैसे स्पेन, कोसावो, बोस्निया और सैन मरीनो, ये 4 ऐसे देश है जहाँ के नेशनल एंथम में एक भी लिरिक्स नहीं है, ये शुरू से लेकर एंड तक एक बीट की तरह बजता है जैसे कि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो, और ये बीट काफी सारा एनर्जेटिक और इनके कल्चर से जुड़ी हुई होती है। नंबर 15, लाइट काफी ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन एक बार इस वीडियो को देखो, इस वीडियो में लाइट को सबसे स्लोएस्ट फ्रेम में कैप्चर किया गया है, यानी कि लाइट को बहुत ज्यादा स्लो दिखाया गया है कि वो ट्रैवल करते हुए कैसे दिखती है। ये करीब 10 ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकंड है, तब जाकर लाइट इतनी साफ दिखाई देती है कि ये किस तरीके से लाइट ऑब्जेक्ट को हिट करती है और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड भी ट्रैवल करती है। इस चीज को हमने बुक में कई बार पढ़ा होगा, लगभग 9th या 10th में, लेकिन आज आप इसे पहली बार इतनी डिटेल में देख रहे हो। नंबर 14, एक बार इस वीडियो को देखो, ये बता रहे हैं कि पाइनएप्पल खाने की वजह से हमारी जीभ में झनझनाहट जैसा महसूस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पाइनएप्पल के अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कि एडिबल तो होते हैं, लेकिन ये हमारी जीभ पर लगते हैं जिससे हमें झनझनाहट महसूस होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वीडियो फेक है। एक्चुअली में पाइनएप्पल खाने के बाद हमारी जीभ में जो झनझनाहट होती है, फिर गले में थोड़ा चुभने जैसा एहसास होता है, वो पाइनएप्पल में मौजूद एसिड्स की वजह से होता है जो कि हमारे माउथ के साथ रिएक्ट करते हैं। नंबर 13, आपने टॉपीज के बारे में सुना है, जो आधे टकले हो जाते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं। ये विग जैसा ही होता है, लेकिन विग में सिंथेटिक बाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें एकदम रियलिस्टिक बाल है। इसे बनाने में कई बार तो रियल बालों का ही इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपके सर पर ऐसे चिपक जाते हैं जो कि काफी वक्त तक रहते हैं। ये सारी कंट्रीज में इंसानों के लिए ही होता है, लेकिन जापान एक ऐसी जगह है जहाँ पर डॉग्स के लिए भी ये होता है। जापान के टोक्यो में आपको डॉग्स के लिए स्पेशली बने टॉपीज मिलेंगे जिससे लोग अपने डॉग्स के लिए खरीदते हुए हैं। नंबर 12, क्या कभी आपने अपने पेशाब को 1 साल तक रोका है? बहुत ज्यादा हो गया, ये 2-3 घंटों में नहाने याद आ जाती है, लेकिन एक जीव है जो अपने पेशाब को 8 महीने के लिए रोक सकता है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी फ्री हो जाती है, बल्कि वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन करते हुए भी अपने पी को 8 महीने तक रोक सकते हैं, और कई बार तो इन्हें ये जानबूझकर करना पड़ता है वाटर इंटेक सही रखने के लिए। नंबर 11, आज मूवीज में यूज करने के लिए VFX, CGI जैसी कई सारी चीजें हैं, लेकिन पहले ये सब नहीं हुआ करता था, तब इल्यूजन्स का यूज किया जाता था मूवी को शूट करने के लिए। जैसे कि इस वीडियो में देखो, इल्यूजन का यूज करने में खासकर चार्ली चैपलिन बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। जैसे इस वीडियो में लगता है कि ये किसी बिल्डिंग के ऊपर से शूट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये कुछ इस तरीके से पर्सपेक्टिव चेंज करके शूट करते हैं, और बिल्कुल कुछ ऐसा यहाँ भी होते हुए दिख रहा है। ये पूरी तरीके से अलग अलग पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी मिरर जैसे ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं इल्यूजन बनाने के लिए। नंबर 10, लेजर तो आपको पता ही होगा, ये काफी ज्यादा फन चीज है खेलने के लिए, लेकिन क्या आपको इसका फुल फॉर्म पता है? हाँ भाई, लेजर का भी फुल फॉर्म है। लेजर जो है वो एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जिस लेजर से हम नॉर्मली खेलते हैं वो बहुत ज्यादा कम पावर की लेजर होती है, जिस वजह से उसमें लाइट एम्पलीफिकेशन और रेडिएशन कम होता है, और जो एक्चुअल लेजर होती है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। आपने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि कैसे लेजर चीजों को आराम से काट देती है, तो आपको यकीन नहीं होगा लेकिन वैसे रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। इसका बैटलफील्ड या वॉर जोन में इस्तेमाल करना भी इलीगल है। जी हाँ, वॉर के भी रूल्स होते हैं। नंबर 9, ये जो आप रॉयल फैमिलीज देखते हो ना, आपको लगता होगा कि इनके पास कितनी पावर है और पैसे भी होंगे, लेकिन इनके पास कुछ नहीं होता। होता तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। आज भी 43 से भी ज्यादा कंट्रीज है जहाँ पर रॉयल फैमिली एग्जिस्ट करती है, और उन्हें आज भी बहुत सारा रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। यहाँ तक कि उन्हें गवर्नमेंट में भी काफी अच्छे पोस्ट दिए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट में भी काफी पहचान होती है, और कहीं ना कहीं आज भी वो रूल करते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट और ग्लोबलाइजेशन होने के बाद किंग्स और किंगडम्स खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी बिहाइंड द सीन्स आज भी रॉयल्स कुछ न कुछ कंट्रोल करते हैं। नंबर 8, बादलों का कलर चेंज होता है, कभी
भी क्लाउड्स एकदम व्हाइट दिखते हैं, तो वही जब बारिश होती है तब वो एकदम डार्क ग्रे या फिर ब्लैकिश दिखने लगते हैं। और कई लोगों को लगता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे बादल अपने आप मर्ज हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब बादलों में पानी भरा होता है वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से वो एकदम व्हाइट दिखते हैं। लेकिन वही जब उनके अंदर पानी भरा होता है तब वो सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, और इसी वजह से उसके अंदर जितना मॉइस्चर होता है उस हिसाब से वो अलग अलग ग्रे के शेड्स में हमें दिखाते हैं। जितना ज्यादा मॉइस्चर उतने ज्यादा बादल डार्क ग्रे या ब्लैकिश दिखते हैं। नमस्कार, ये सवाल शायद आपके दिमाग में कभी ना कभी आया ही होगा कि आखिर अर्थ पर आया हुआ सबसे पहला फ्रूट कौन सा था। आज तो कई टाइप के वैरायटीज के फ्रूट मिलते हैं, पर कई साइंटिस्ट मानते हैं कि फर्स्ट जो फ्रूट जो आया था वो बनाना था, हाँ, जो कि आज मिलता है। और बनाना की बहुत ज्यादा स्पीसीज होते हैं, तो साइंटिस्ट मानते हैं कि अर्थ पर सबसे पहला फ्रूट बनाना की ही कोई स्पीसी थी, जो कि साउथ ईस्ट एशियन जंगल में पहली बार उगी थी, क्योंकि आज भी वहाँ कई टाइप के बनाना के स्पीसीज मिलते हैं और कुछ तो बहुत पुराने हैं। नंबर 6, लाल सिंह चड्ढा मूवी आपको पता ही होगी, लेकिन उसका ओरिजिनल मेक यानी कि फॉरेस्ट गम करके एक मूवी है। इस मूवी में एक बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग बात है कि इस मूवी में कई जगह पर फोटोज दिखाए जाते हैं जो कि फॉरेस्ट नाम के कैरेक्टर के हैं, और सारी के सारी फोटोज में उसकी आंखें जो है वो बंद है, लिटरली एक भी फोटो में उसकी आंख खुली नहीं हुई है। और ये एक स्पेशल चीज जानबूझकर एक्टर द्वारा ऐड की गई थी कि फोटोज खिंचवाने के लिए ये एकदम स्ट्रेट खड़ा होता था, लेकिन ये अपनी आंख खोलना ही भूल जाता था, यानी कि ये खुद को मेंटली प्रिपेयर करने में इतना टाइम लगा देता था कि फोटो खींचते समय ये अपनी आंखें खोल ही नहीं पाता था और ऐसे ही फोटो खींच जाता था। नंबर 5, हमारे ब्रेन की एक लिमिट होती है, ज्यादातर ह्यूमन इयर्स 20,000 हर्ट्ज के बाद सुन नहीं पाते, और वैसे ही एक स्टार्टिंग लिमिट भी होती है, उससे नीचे की आवाज हम सुन नहीं पाते, और 20 के हर्ट्ज से ज्यादा डीप आवाज हम नहीं सुन पाते। और इस दुनिया में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवाज इतनी ज्यादा डीप है कि अगर वो अपने डीपेस्ट वॉइस में बात करता ना तो इंसानी कान उसे सुन ही नहीं सकते, और ये आदमी की आवाज यहाँ पे आप सुन सकते हो। इस चीज को बस इंस्ट्रूमेंट के जरिए रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि ये इतनी डीप है, लेकिन हमारे कान इसे सुन नहीं सकते। नंबर 4, हम ऐसे नॉर्मल खाते हैं लेकिन कैमल 8 पैटर्न में खाते हैं, वो फिगर 8 पैटर्न में खाना खाते हैं और चबाते हैं, जैसे कि हम खाना खाने के लिए ऊपर नीचे चबाते हैं, और लगभग कई सारे जानवर कुछ इसी तरीके से खाते हैं, लेकिन कैमल जो है वो 8 फिगर के पैटर्न बनाते हैं खाते समय, यानी कि पहले वो अपने जबड़े को लेफ्ट से राइट ग्राइंड करेंगे और उसके बाद राइट से लेफ्ट ग्राइंड करेंगे, और फिर बस वो ऐसे ही बार बार करते रहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिगर 8 जैसा लगता है। अच्छा, आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर कोई भी पायलट की ट्रेनिंग करने वाला है तो उसे भी ये अच्छे से पता होगा कि फिगर 8 पैटर्न क्या है, क्योंकि वो भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं लैंडिंग करते समय। और कैमल इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे वो खाने को आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। नियमित्री, अगर आपके सामने कोई उबासी लेता है तो उसे देखकर कई बार आपको भी उबासी आने लगती है, और कई बार कहा जाता है कि यौन जो है वो कॉन्टेजियस है, और कहते हैं कि उससे बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। जब आप एक दूसरे को देख के ऐसे यौन करते हो तो लगता है कि ये तो अपना ही है, क्योंकि वो भी यौन ही कर रहा है। हाँ, बोलने में सेंस नहीं बनता, लेकिन आप अंदर महसूस कर सकते हो। पर ये चीज 5 साल से छोटे बच्चों के लिए काम नहीं करती, यानी कि 5 साल से छोटा कोई बच्चा होगा उसके सामने अगर आप उबासी भी लोगे फिर भी उसे उबासी नहीं आएगी। और ऐसा सिमिलर सिचुएशन ऑटिज्म से सफर करने वाले लोगों के साथ भी होता है। ऑटिज्म एक बीमारी है, जिनको ये बीमारी होती है उनके साथ भी ये चीज नहीं होती, बाकी सारे नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि सामने कोई उबासी लेता है तो उन्हें भी उबासी आने लगती है। बेटो, आज के टाइम में तो हम कई सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो अभी लीगल है, लेकिन आगे आने वाले सालों में ये इलीगल हो जाएगी। जैसे सबसे पहला है सोशल मीडिया पर किसी और का नाम यूज करना। कई लोग हैं जो कि मस्ती मजाक के लिए या फिर दूसरे पर्पस के लिए भी सोशल मीडिया पर अपना नाम नहीं रखते, बल्कि उसके जगह पर किसी फिक्शनल कैरेक्टर, किसी फेमस बॉलीवुड स्टार या फिर किसी स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम रख लेते हैं, यहाँ तक कि उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा लेते हैं। लेकिन फ्यूचर में शायद ये करना इलीगल हो जाएगा। आपको अपना ही नाम या फिर आपके पास किसी का नाम का कॉपीराइट हो वही यूज करना पड़ेगा। फिर आज जो फैमिली व्लॉग्स हैं वो भी फ्यूचर में इलीगल हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली व्लॉग्स में अक्सर छोटे बच्चों को दिखाया जाता है, और यही बच्चे जो व्लॉग में आते हैं ये बच्चे बड़े होंगे तो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और कई बार ऐसा भी हो चुका है क्योंकि अंडर एज किड को दिखाया जा रहा है और ऑब्वियसली बात है उसका कंसेंट नहीं लिया जाता या फिर वो केपेबल नहीं रहते कंसेंट देने के लिए, तो फ्यूचर में ये इलीगल हो सकता है। साथ ही डेटा चोरी करना, डीप फेक यूज करना जो कि आज लोग करते हैं, एआई वॉइसेस यूज करना जो कि आजकल इंस्टा पर ट्रेंड बन चुका है, इसी के साथ चाइल्ड ब्यूटी से लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक जैसी कई सारी चीजें आज जो हम यूज करते हैं वो फ्यूचर में इलीगल हो जाएंगे। यहाँ तक कि कई लोग कहते हैं कि फ्यूचर में शायद फ्री स्पीच भी इलीगल हो जाए, जो कि कुछ देशों में एक्चुअली में ये है भी, लिटरली ये लोगों को स्लेव बनाने जैसा हुआ। नंबर 1, यार हम बचपन में कार्टून देखते आ रहे हैं, उसके बाद भी आपको ये बात नहीं पता होगी कि अलग अलग कंट्रीज में इन शोज को डिफरेंट दिखाया जाता है। जैसे सबसे पॉपुलर डोरेमोन की बात करें तो इंडिया में जियान का गाना उतना भी ज्यादा बेसुरा नहीं है, हिंदी और इंग्लिश डब में ये बर्दाश्त करने लायक है, लेकिन जापानीज डब में ये इतना ज्यादा बेसुरा है कि स्ट्रेट अप चिल्ला रहा है, और ऐसा इंग्लिश और हिंदी में भी किया जा सकता था, लेकिन ये बच्चों के लिए सही नहीं होता। फिर मार्कशीट्स को देखिए,
यहाँ पर थोड़ा चेक करने का सिस्टम अलग होता है, पर बाकी देशों में बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पर इसे सही किया गया है और फेल भी लिखा गया है। और इस फोटो में आप देख सकते हो जापान में नोबिता रो रहा है तो भर भर के पानी निकल रहा है, लेकिन अमेरिका में ये वर्जन नहीं था क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रोने से इतना पानी नहीं निकलता। इंडिया में कुछ टाइम तक इस करेक्शन को नहीं किया गया था, लेकिन डोरेमोन के एपिसोड में ये करेक्शन किया गया है। फिर ये मॉन्स्टर इंक कार्टून को देखो, यूएसए और बाकी कंट्रीज में ये अलग था, वर्ड्स की जगह यहाँ स्माइल थे ताकि बच्चे लेम जैसी स्लैंग ना सीखे। और ऐसे ही लगभग सारे कार्टून्स में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं कल्चर या हैबिट्स को लेकर।